हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर का एक जाबाज की बहादुरी का है पूरा देश कायल। माओवादियों के यमराज के नाम से है विख्यात। सरहदी बाड़मेर के छोटे से गांव का रहने वाला एक जाबाज आज अपनी मादरी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर माओवादियों के गढ़ में अपने अदम्य साहस की वजह से हर एक की चर्चा में है। माओवादियों के यमराज के रूप में पहचाने जाने वाले नरपत सिंह को राष्ट्रपति ने उनके अदम्य साहस की वजह से राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा है। नरपत सिंह इन दिनों अपने गृह जिले बाड़मेर में आए हुए हैं, जहां जगह जगह लोग उनके स्वागत के लिए विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। यह है सरहदी बाड़मेर के रहने वाले और माओवादियों के लिए यमराज के नाम से मशहूर सशस्त्र सीमा बल के डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह राजपुरोहित। राजपुरोहित को उनके अदम्य साहस एवं पराक्रम के लिए पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अपने अदम्य साहस और पराक्रम के लिए इससे पूर्व भी नरपत सिंह कई मर्तबा सम्मानित हो चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान डिप्टी कमांडर नरपत सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति पुलिस पदक के साथ उन्हें 6 लाख रुपए नगद, इंदिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में 25 बीघा भूमि अथवा जमीन के एवज में 4 लाख रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया था। बाड़मेर के ढोक निवासी नरपत सिंह अपनी बटालियन के हीरो कहे जाते हैं। मौजूदा समय में वह झारखंड के माओवादी प्रभावित इलाके में तैनात है। अपने अदम्य साहस के दुश्मनों को धूल चटाने में सबसे आगे रहने वाले नरपत सिंह ने कुछ समय पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर 8 माओवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया था। नरपत सिंह के मुताबिक झारखंड एवं ओडिशा के माओवादी प्रभावित इलाकों में उनके खौफ से या तो माओवादी समर्पण कर रहे हैं या फिर वे इलाका ही छोड़ रहे हैं। एसएसबी की 18वीं वाहिनी में तैनात नरपत सिंह की कार्यशैली के उच्च अधिकारी भी कायल हैं। इस बहादुर की देश की सेवा के जज्बे को लेकर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें सम्मानित किया था। मौजूदा समय में नरपत सिंह सिर्फ अपनी बटालियन ही नहीं बल्कि देश की 1791 किमी सीमा की निगरानी करने वाली एसएसबी के हीरो भी हैं। वे अक्सर झारखंड के जंगलों में देश के दुश्मनों को ढूंढते फिरते हैं। डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह के मुताबिक माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार है गुरिल्ला युद्ध, लेकिन एसएसबी उसका जवाब तूफानी अंदाज में देती है। नरपत सिंह की टीम सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं करती बल्कि उन्हें जिंदा भी पकड़ती है। उनकी टीम 8 हार्डकोर माओवादियों को पकड़ चुकी है। बाड़मेर की रेतीली माटी से निकलकर झारखंड के जंगलों में अपने अदम्य पराक्रम को देख रहे नरपत सिंह की जाबाजी पर न केवल मरुधरा को बल्कि आज हर देशवासी को गर्व है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास रिपोर्ट।